नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस फिजिकल के बारे में। जहाँ दोस्तों जो अभी फिजिकल चल रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर एक बहुत ही बुरी खबर यहाँ पर सामने आई है दोस्तों। जो कि आपको सभी को मालूम होगा यहाँ पर कि जो कि अभी यूपी पुलिस का ऑफलाइन का पेपर हुआ था उसमें केवल और केवल 62,000 लोगों को क्वालिफाई किया गया था फिजिकल के लिए। तो दोस्तों 62,000 लोगों को यहाँ पर फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया गया था, जिसमें से केवल लगभग 50% ही लोग यहाँ पर क्वालिफाई करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यही कंडीशन है कि जितने लोग दौड़ते हैं उसमें से केवल 10 से 20% लोग ही यहाँ पर क्वालिफाई कर पाते हैं, बाकी की अभी फिलहाल नहीं क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग कंप्लीट होते होते फिजिकल इसमें केवल 50% लोग ही यहाँ पर क्वालिफाई हो सकते हैं, बाकी के अनक्वालिफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों इससे यह आप सोच भी सकते हैं कि यदि 62,000 में से आधे 50% ही यहाँ पर यानी कि 31,000 लोग ही क्वालिफाई होंगे, तो दोस्तों फिर भी यहाँ पर 10 से 10-12 हज़ार वैकेंसी बच जाएंगी। इसलिए दोस्तों यहाँ पर दूसरी मेरिट लिस्ट आने वाली है, इसकी अभी घोषणा भी हो चुकी है दोस्तों। यह लगभग 30,000 विद्यार्थियों को फिर से या दोबारा से क्वालिफाई भी किया जाएगा, ठीक है, ताकि आप इसकी पूरी वैकेंसी इसमें भर सकें। दोस्तों एक न्यूज़ के अनुसार मैं आपके लिए यह न्यूज़ लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अपन देख लेते हैं उस न्यूज़ को भी देख लेते हैं क्या दिया है उस न्यूज़ में, ठीक है। दोस्तों जैसे कि आप यह देख पा रहे हैं दोस्तों, यह न्यूज़ है जागरण की है, दैनिक जागरण की न्यूज़ है, यह कानपुर में प्रकाशित की गई थी। दोस्तों इसमें कहा गया है कि हाफ दौड़ में हाफ गए नौजवान, आधे से ज़्यादा हुए फेल, ठीक है, लगभग आधे से ज़्यादा यहाँ पर फेल हो गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर जो नौजवान के लिए कितनी 4.8 किलोमीटर की दौड़ होनी थी, ठीक है, यानी कि 4.8 किलोमीटर की दौड़ यहाँ पर होनी थी, जिसमें से यहाँ पर अभी जो हुई शनिवार को हुई थी इसमें 37वीं बटालियन के मैदान पर 50% से ज़्यादा अभ्यर्थी 25 मिनट में दौड़ पूरी नहीं कर सके, ठीक है, कितने 50% से भी कम कम विद्यार्थी यहाँ पर पास कर पाए, ठीक है। दोस्तों पुलिस सेवा PAC भर्ती परीक्षा 2018 की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस लाइन के अनुसार जोन भर में जितने भी जिलों के अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच और उनकी नापतोल हो रही है, ठीक है। और दोस्तों इसमें सफल हुई अभ्यर्थियों की यहाँ पर PAC बटालियन में दौड़ परीक्षा कराई जा रही है। पहले दोस्तों आपके प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस हो रहे हैं, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास हो जाता है उसके बाद इसको दौड़ में शामिल किया जाता है। दोस्तों शनिवार को ही यहाँ पर 350 अभ्यर्थी दौड़ में शामिल हुए थे, कितने 350 अभ्यर्थी यहाँ पर दौड़ में शामिल हुए थे और करीब 170 सफल हो सके, ठीक है। इसमें 335 विद्यार्थियों में से केवल और केवल 170 विद्यार्थी यहाँ पर सफल हुए हैं और बाकी सभी यहाँ पर अनक्वालिफाई हो गए हैं। कुछ लोग तो दोस्तों यहाँ पर गश्त खाकर भी गिर पड़े हैं, जिससे यह है आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि 50% से भी कम विद्यार्थी यहाँ पर नॉट क्वालिफाई या फिर अनक्वालिफाई होंगे तो आप यह कह सकते हैं कि पूरी वैकेंसी यहाँ पर कैसे भर सकती हैं। जिन्होंने यहाँ पर बोर्ड ने 62,000 विद्यार्थियों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया था वह कैसे कंप्लीट होंगे, यानी कि यदि आप 62,000 को यहाँ पर करेंगे तो लगभग 50% से भी ज़्यादा यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पर वैकेंसी भरनी है 41,000 के समथिंग तो वह कंप्लीट नहीं भर पाएगी। इसलिए यह दोस्तों फिलहाल में अभी यह न्यूज़ आ रही है कि एक दोबारा से यहाँ पर सेकेंड लिस्ट यहाँ पर डलने वाली है, जिसमें लगभग 30 से 35 हज़ार विद्यार्थियों को दोबारा से क्वालिफाई किया जाएगा और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ दौड़ भी संपन्न कराई जाएगी, जिससे यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी हैं वह सभी भरी जा सकें, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि न्यूज़ आपको यह पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।